वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएड क्लासेस। मैं विक्रम कुमार, आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा था एनएसएनआईएस, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन बाद में इस दोनों को कंपोज करके एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ साई को ही आगे लेके चला गया। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9th एशियन गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1982 वाज सेट अप एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1816। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो सक्सेसर है 9th एशियन गेम्स के, जो कि दिल्ली में 1982 में हुआ था। 1982 में जो हमारा जो एशियन गेम्स हुआ, उसके बाद फिर साई का गठन हुआ थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860। ठीक है, साई का गठन जो है वो आपका जो एशियन गेम्स हुआ उसके बाद ही तुरंत किया गया, आफ्टर एनआईएस से पहले था, उसके बाद फिर ये आया। ये दोनों का कंपोजिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा चलने लगा, जिसे हम साई बोल। ठीक है, तो साई इज एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, द जनरल बॉडी इज बीइंग हेडेड बाय सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर एज ए प्रेसिडेंट। तो ये है साई, जैसा कि पहले भी एनआईएस जैसे करते आई थी, वैसे साई का भी वही काम था, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री। और जो प्राइम मिनिस्टर जो है, उस मतलब कि जिस समय सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगे वो प्रेसिडेंट रहेंगे साई के। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्निंग बॉडी ऑफ साई इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज ए वाइस पर्सन। और जो वाइस पर्सन जो है साई के, जो वाइस पर्सन है वो यूनियन मिनिस्टर रहेंगे स्टेट फॉर यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो वाइस पर्सन यूनियन मिनिस्टर जो यूथ अफेयर्स के रहेंगे वो रहेंगे। नेक्स्ट, एज पर साई रूल्स द जनरल बॉडी शुड जनरली मीट एनुअली। तो साई का जो रूल कहता है उसमें जनरल बॉडी है उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जनरल बॉडी रहेंगे वो साल में एक बार मीटिंग करेंगे। और जो गवर्निंग बॉडी ओनली मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो जनरल बॉडी है वो साल में एक बार मीटिंग करेंगे साई के मतलब कि जो ग्रोथ के लिए या फिर कुछ भी जो मीटिंग है, सारा चीज किसी भी चीज के मतलब कि बात करने के लिए वो एनुअली मीटिंग होगा। और जो जनरल बॉडी है वो क्वार्टरली मीटिंग करेंगे, मतलब चार महीने में एक बार। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ जनरल बॉडी एंड गवर्निंग बॉडी। कि जनरल बॉडी, इससे पहले जो बात किए थे कि जनरल बॉडी का मीटिंग साल में एक बार होगा, गवर्निंग बॉडी का मीटिंग जो होगा वो सालाना क्वार्टर में एक बार होगा, मतलब कि चार महीना में एक बार होगा। तो आखिर ये जनरल बॉडी और हमारा गवर्निंग बॉडी है क्या? ठीक है, जनरल बॉडी हैज 43 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 16 आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एंड 27 आर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो जनरल बॉडी जो कंसिस्ट होता है वो 43 मेंबर्स का होता है, आउट ऑफ विच 16 आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल मेंबर जो मेंबर पहले थे, जो रह चुके हैं, मतलब कि जो मेंबर जो कहीं पर कोई फेडरेशन में है उसके एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे वो 16 रहेंगे। ठीक है, और 27 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो रहेंगे वो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ जनरल बॉडी। नेक्स्ट है गवर्निंग बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी हैज 28 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 16 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमेनिंग 12 आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो गवर्निंग बॉडी में 28 मेंबर्स होंगे, जिसमें 16 नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, और 12 जो रहेंगे वो एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं के वो ऑफिशियल रह चुके हैं, वैसे एक्स ऑफिशियल मेंबर वो रहेंगे और वो आपके गवर्निंग बॉडी में काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग साई भी बोल सकते हैं, साई तो आपको बता ही चुके हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन लक्ष्य क्या है? सबसे पहले टू इम्प्लीमेंट एंड कैरी आउट द एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो इसमें ये है पहला पॉइंट कि जो भी पहले का स्पोर्ट्स स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको चलाते रहेंगे। पहले के जो स्पोर्ट्स स्कीम, मतलब पहले जो एनआईएस, पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि एनआईएस जो बॉडी है हमारा, एनआईएस को ही फिर बाद में इम्प्लीमेंट करके, मतलब कि एनआईएस को ही फिर लेके आके साई बनाया गया। ठीक है, तो आखिर वो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि वो जो स्कीम जो चल रहा था वो फिर से रहेंगे ही रहेंगे, तो उसी को साई को आगे बढ़ाना है। ठीक है, किसी भी स्कीम को एबोलिश नहीं करना है। टू इम्प्लीमेंट एंड कैरी आउट द एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो पहले का स्कीम है उसको हम कैरी आउट करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री।
तो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको भी हम चलाते रहेंगे प्रमोशन स्पोर्ट्स के लिए और बेटर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएट अंडरटेक स्पॉन्सर स्टिमुलेट एंड इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो रिसर्च है, रिसर्च हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, वो सब चीज को हम बढ़ावा देंगे। मतलब गेम्स स्पोर्ट में नया हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा प्लेयर आगे जाएगा, कैसे हम उसको करेंगे, और फिर उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टू प्लान डेवलप टेक ओवर मैनेज मेंटेन एंड यूटिलाइज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा है कि प्लान करना है, टेक ओवर करना है, मैनेज करना है और मेंटेन करना है, यूटिलाइज करना है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टेट्स में, कैपिटल सिटी दिल्ली में बहुत जगह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो उसको यूटिलाइज करना, सारे स्पोर्ट्स पर्सन को वहाँ लेके जाना है कि वो प्रैक्टिस करें और उनका सब गेम डेवलप हो, टीम डेवलप हो, सारा चीज डेवलप हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू इनिशिएट स्पॉन्सर एंड इनकरेज रिसर्च स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो जैसे कि पहला ये पॉइंट था, तो रिसर्च और स्पॉन्सर इन स्पॉन्सर रिसर्च ये सबको, सारे चीज को हमको प्रमोट करना है कंट्री में, क्योंकि वो उससे हमारा गेम और गेम्स और स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एंड गिव टेक्निकल असिस्टेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड स्पोर्ट्स गार्डन टू ऑर्गेनाइजर्स। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं या फिर कंपटीशन करवा रहे हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना कि सारा चीज टेक्निकल असिस्टेंस दे के सारा चीज मेंटेन करना और सारा चीज ये करना कि टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, स्पोर्ट फैसिलिटी देके कि वो ठीक तरीके से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपटीशन है या फिर कहीं पर भी जो गेम्स कुछ भी करवा रहा है वो सही से करवा पाए। नेक्स्ट टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज फॉर इम्पार्टिंग एडवांस कोचिंग। तो अच्छा एजुकेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग, अच्छा एजुकेशन ट्रेनिंग देना फैसिलिटीज, क्योंकि वो अच्छे से जो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग है, एडवांस कोचिंग जो है वो दे सके। तो जैसे कि अलग अलग स्टेट में डिफरेंट कोचेस है, उसको एडवांस ट्रेनिंग देना, सारा चीज करना, एडवांस ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज देना, तो कोच जाके अगला जो हमारा जो प्लेयर है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है या फिर टीम है उसको अच्छे से वो कोचिंग दे सके, ताकि वो जो हमारा जो गेम है वो गेम का स्थिति है वो सुधरे और जो आगे जो हम लोग खेलें वो उसका भी स्थिति सुधरे इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट टू टेक स्टेप्स फॉर वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड लाइक एंड टू रन बेनेवोलेंट स्कीम फॉर एक्टिव वेटरन एंड रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। तो बहुत सारे जो स्टेप लेना जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन का वेलफेयर के लिए काम हो और स्पोर्ट्स ऑफिशियल और स्पोर्ट्स पर्सन उनका वेलफेयर के लिए काम हो, जो रिटायर हो चुके हैं, जो गेम से रिटायर कर चुके हैं या फिर बैठ चुके हैं, उनका वेलफेयर के लिए, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि बहुत सारे गेम्स स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो खेलते तो हैं अपने टाइम, जब तक खेल रहे हैं ठीक है, उसके बाद फिर जब रिटायर कर रहे तो उनकी स्थिति बहुत ही ठीक नहीं रहता, तो वो स्थिति मतलब कि खराब ना हो इसके वजह से ऐसा वेलफेयर स्कीम चलाना जिसकी वजह से जो रिटायर कर चुके हैं स्पोर्ट्स पर्सन और जो ऑफिशियल हैं या फिर कोचेस हैं उससे जो रिटायर कर चुके हैं उन लोग का वेलफेयर में वो मददगार। ठीक है, थैंक यू। तो फिर ये यही था हमारा साई का पूरा वीडियो, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।